बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो कान के और दांत के दर्द में मुब्तला हैं या वो अपने आप को कान और दांत के दर्दों से दूर करना चाहते हैं, एक आपको रूहानी वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ। अगर वो अमल कर लिया जाए तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों को तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि कभी भी नाक यानी कान का दर्द और दांत का दर्द नहीं होगा। क्या अमल किया है? वो अमल ये है कि जब भी छींक आए, जैसे ही इंसान को छींक आती है तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जो छींक आने से ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ऐसे बंदे को न कान का कभी दर्द होगा और ना ही कभी दांत का दर्द होगा। ये हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बड़ों का जो है ये यानी एक रूहानी अमल है। अगर जो इस पर अमल करता है वो इसके फ़वाइद भी देख ले। लिहाजा जिनको दर्द वग़ैरह है कान का या यानी दांत का दर्द है वो भी ये कर सकते हैं, और जो इन दो दर्दों से अपने आप को बचाना चाहते हैं वो भी ये दुआ जो है छींक आने पर पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़िंदगी भर कभी भी इन दो हिस्सों का दर्द नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।